हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आ रही हूँ मैं मंडवा गुड़ाई के लिए उसी खेत में जिस खेत में मैं और सासू जी एक हफ्ते पहले आए हुए थे। उस टाइम तो मंडवा जो है बिल्कुल बारीक था, बिल्कुल छोटा हो रखा था और उसमें खरपतवार जो हमने निकाल दिया था, लेकिन आज देखते हैं वो कितना बड़ा हुआ है। और दोबारा जा रहे हैं हम उसी खेत में, तो देखते हैं कि कैसा हो रखा है मंडवा। ओके, अब तैयार। इस रास्ते से आते हुए हमने देखा कि यहाँ है बहुत सारी देसी घास, और देसी घास यानी कि चेरी घास, और यहाँ होते हैं दो प्रकार के इस तरीके से जो है खक्सू। एक इस टाइप का होता है और एक दूसरे टाइप का खक्सू होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट पत्तों वाला होता है। और बीचों बीच देखिए नहर जारी है रोपाई की। रोपाई वाले खेतों में जो है इस रास्ते से पानी जाता है। देवरानी जी जा चुकी हैं बहुत ज़्यादा आगे और मैं अब चलती हूँ देवरानी जी के साथ। अभी हम पहुँचने वाले हैं खेत में, लेकिन अभी हम खेत से काफ़ी ऊपरी रास्ते में हैं और यहाँ पर मुझे दिख गया है बिच्छू घास। और बिच्छू घास की झंझनाहट में कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि एक बार जब मेरे हाथ में लगी थी घास काटते हुए तो बहुत ही ज़्यादा झंझनाहट हुई थी और काफ़ी टाइम तक रही है झंझनाहट। और हम पहुँच चुके हैं खेत में और आधा जो है मंडवा गुड़ाई देवरानी जी और सासू जी ने कर ली है खेत की, और बाकी का आधा जो खेत बचा हुआ है वो इस साइड है। और देखिए कितना बड़ा हो चुका है मंडवा, और मंडवे से ज़्यादा यहाँ हो रखा है खरपतवार। तो आज तो बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ। अभी धूप आई नहीं है, तो जब तक धूप नहीं आई तब तक फटाफट मंडवा गुड़ाई कर लेते हैं। टाइम हो चुका है 11 बजे का, लगभग एक घंटा हमें इस खेत में हो चुका है और अब थोड़ा ही रह गया है खेत गुड़ाई करने के लिए, और थोड़ा थकान लग गई है तो थोड़ा बैठ के पानी वानी पीते हैं मैं और देवरानी जी। देवरानी जी जो है आम भी लेके आई थी खेत में और वो उसको धो के जो है काट रही है, वो भी धराती से, क्योंकि चाकू तो हम लाए नहीं है खेत में। तो हम पहले आम खाएँगे, पानी पियेंगे और उसके बाद फिर से गुड़ाई पर लगेंगे और उसके बाद निकलेंगे घर को एक कंडी और एक चिंगेरी जो है घास की निकालने के बाद। गुड़ाई करने के साथ साथ हमने मंडवे को सारी भी डाल दिया है। सारी यानी कि जहाँ पे घना है मंडवा वहाँ से निकाल के जहाँ पे खाली जगह है उसमें डालने को सारी कहते हैं। अगर आज शाम को बारिश आई तो ये अच्छे से लग जाएगा, और नहीं आई, अगर धूप ही आई तो सूख जाएगा और हम सासू माँ की डांट सुनेंगे। 12 बजे का टाइम हो चुका है और अब बहुत तेज़ धूप हो गई है खेत में। हमने भी खेत को पूरा गुड़ाई कर दिया है और अब काटते हम एक सवटी घास की मैं और देवरानी जी। और बहुत तेज़ धूप हो गई है, चढ़ाई भी है इस खेत से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो सबसे पहले हम एक सवटी घास की निकाल देते हैं। से जो है अब हमारे घर जाने की तैयारी हो गई है और आधे रास्ते तक हम निकल चुके हैं घर के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे दिखा है एक बेडू का पत्ता, यानी कि बेडू का यहाँ पे एक पौधा हो रखा है। बड़ा पेड़ तो नहीं है ये, लेकिन ये वही बेडू का पेड़ है जिसमें आपने गढ़वाली गाना सुना होगा कि बेडू पाको बारह मास। तो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखता है बेडू के पत्ते। ये देखिए, ये है बेडू का पत्ता जो कि आपने गढ़वाली गाना सुना होगा, काफ़ी फेमस गाना बेडू पाको बारह मास। और ये है वो बेडू का पेड़, ये तो कट रखा है लेकिन दोबारा ये जो है पौधों के आ गया है इस पर, और ये हो रहे कि इसमें छोटे छोटे बेडू के जो है फल। और बचपन में हम इसको बहुत खाते थे, जब ये काले कलर के हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ये है दूसरे तरह का खक्सू जिसके पत्ते जो है बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और एक दूसरे तरह का जो खक्सू है जो मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा हार्ड पत्तों वाला होता है। तो यहाँ पे दूसरे टाइप का जो है खक्सू हो रखा है, ये भी घास के लिए होता है, पर इसके पत्ते और उसके पत्तों में यही अंतर है कि ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं। मेरे पीछे जो है वो है गधेरा, चुंजा का गधेरा, बहुत बड़ा गधेरा है ये, और सावन के महीने में ये पानी इतना भर जाता है कि आधे आधे खेतों तक पानी आ जाता है। और यहाँ देखिए गधेरे में कितने सारे शारों के जो है घास हो रखी है। शारों के घास पीछे की साइड वाइट पत्ते होते हैं, आगे की साइड ग्रीन पत्ता होता है शारों के घास में। और बहुत सारे यहाँ पीछे जो है छछरी के और खेड़ा के पेड़ हो रखे हैं, सब घास के लिए होते हैं। तो यहाँ घास की कोई कमी नहीं है, मेरे ससुराल में घास की कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ज़्यादा घास होती है कि यहाँ दूसरे गाँव के लोग भी जो हैं
न्यार लेने के लिए आते हैं। मैं और देवरानी जी ठीक बैठे हैं वहीं पे जहाँ पे मैं और सासू जी पिछले हफ्ते बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ है और यहाँ पे बहुत अच्छी छांव है। बगल में जा रही है यहाँ से नहर जिसमें पानी है, लेकिन पी नहीं सकते, वो गधेरा का पानी है। हम यहाँ पे थोड़ा बैठे हैं और इसके बाद हम अब चलते हैं घर को, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। गढ़वाली में बोलो तो काऊ घाम हो रहा है आज। और नहर का ठंडा ठंडा पानी देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं पे रहना था, और पैर मैंने रखे हैं ठंडे पानी में। मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से मैं घर ही ना जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, घर से फोन दिया गया सासू माँ का, तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है।